फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 49, जहां पर हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले भी पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पढ़ के रखा हुआ है, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे या फिर क्या होती थी आ, ई, ए, और ये सारी चीजें वर्ब के साथ में जुड़कर आएंगी। जैसे ही बात हमने पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस की थी, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि सब्जेक्ट की जगह जो भी हो, सभी जगह में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी थी, सेकंड फॉर्म। और जैसे हम लोगों ने इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, डिड, और डिड के बाद नॉट रखिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाती है, फर्स्ट फॉर्म। और इस तरीके से इसके पूरे के पूरे छह स्ट्रक्चर बन गए। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस की, जहां पर इसकी पहचान क्या हो जाएगी, जाता था, जाती थी, जाते थे या फिर गया, गई, गए। दोनों ही पहचान लिखकर आएगी, लेकिन वो वर्ब के बाद में लिखकर आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे पीटा गया, मम्मी के द्वारा भोजन बनाया गया, हमारे द्वारा पार्टी मनाई जाती थी, तो चाहे गया, गई लिख के आए और चाहे जाता था, जाती थी, जाते थे, दोनों ही वर्ब के बाद में लिखकर आएगा। दूसरी बात आपको ये माइंड करनी है कि जैसे बात पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस की होगी, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, वाज या वर्ब। तो हम लोगों ने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने जो सहायक क्रिया रखी थी वो क्या रखी थी, इज एम आर। और आज हम बात करने जाने किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। कुछ नहीं करना है आपको, बस इज एम आर को हटा दीजिए और वाज वर्ब को ऐड कर दीजिए। बाकी बनाने के सारे तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस को बनाया था। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि उसके द्वारा मेरी तारीफ की गई, तो सेंटेंस को मैं चाहे जैसा बोलूं कि उसके द्वारा मेरी तारीफ की गई या उसके द्वारा मेरी तारीफ की जाती थी, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ही कहलाएगा। अब इसको बनाने के लिए हमें पैसिव का स्ट्रक्चर यूज करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि उसके द्वारा मेरी तारीफ की गई, वर्ब क्या थी इसमें हमारी, तारीफ करना। और अगर मैंने तारीफ करना के साथ क्वेश्चन किया कि किसकी तारीफ की गई, तो उत्तर क्या आएगा, मेरी। और इस मेरी के लिए मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, आई, और आई के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। और तारीफ करने को क्या बोलते हैं, एडमायर, ए डी एम आई आर ई। लेकिन हम यहाँ पर एडमायर नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, एडमायर्ड, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी है। और इसके बाद उसके द्वारा लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, बाय हिम। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि आई वॉज एडमायर्ड बाय हिम, उसके द्वारा मेरी तारीफ की गई। अब फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मुझे एक्टिव करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, इस उसके द्वारा को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस कुछ इसी प्रकार से बनेगा ना, कि उसने मेरी तारीफ की, उसने मेरी तारीफ की या फिर वह मेरी तारीफ करता था, सेंटेंस चाहे जो भी होता, यह हमारा एक्टिव का सेंटेंस था और सेंटेंस कहां का था, पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा, जो कि यहां पर कौन हो गया, ही, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, सेकेंड फॉर्म, और वर्ब क्या थी, एडमायर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही एडमायर्ड मी। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव कर दूं कि उसने मेरी तारीफ नहीं की, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया तो इसको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, जो कि यहाँ पर क्या है, डिड। बट डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाती है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनने वाला है कि ही डिड नॉट एडमायर मी। बस बन चुका है हमारा सेंटेंस, ही डिड नॉट एडमायर मी, उसने मेरी तारीफ नहीं की। और अगर इसी को मैं पैसिव करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, उसके द्वारा मेरी तारीफ नहीं की गई। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, तो उसको नेगेटिव से बना लीजिए। कुछ नहीं करना हुआ आपको, सिर्फ यहाँ पर नॉट को ऐड करना है। आप चाहो तो वॉज और नॉट दोनों को शॉर्ट करके वॉज इन भी यहाँ पर लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, दोनों ही तरीके ठीक है, आप दोनों में से किसी एक तरीके को यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आखिर हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल प्रीवियस लेसन की तरह ढेर सारे सेंटेंस बोलने होंगे, वो या तो एक्टिव का होगा या फिर पैसिव का। अगर आपने एक्टिव का सेंटेंस बोला है, तो उसको पैसिव में बदलिए, और पैसिव का सेंटेंस बोला है, तो उसको एक्टिव में बदल लीजिए।
जैसे एक सेंटेंस सुनिएगा, मैंने आपसे कहा सी कुक्ड फूड, तो उसने भोजन बनाया, क्या बनाया उसने? भोजन। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूड। तो सेंटेंस क्या बनेगा? फूड वॉज कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा भोजन बनाया गया। एक दूसरा सेंटेंस सुनिएगा, मैंने कहा अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय मी, मेरे द्वारा गाना नहीं गाया गया, और इसका एक्टिव करेंगे तो क्या होगा? आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया। अगर मैंने आपसे कहा कि डिड ही हेल्प यू, क्या उसने आपकी सहायता की, और पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वर यू हेल्प्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा आपकी सहायता की गई। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।